ऐसा कभी भूल कर भी सपने में भी ख्याल नहीं आना चाहिए सत्संग छोड़ देंगे हम। सत्संग छोड़ देंगे ये तो एक अलग बात है, सत्संग ना जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही एक बहन की आप बीती बताता हूँ, उन्होंने क्या गलती की। ऐसी गलती से हर कोई संत महात्मा, जो निरंकारी संत महात्मा और भी सत्संगी जो भी भाई बहन है वीडियो को देख रहा, कभी भी किसी भी स्थिति में ये मन में ख्याल नहीं आना चाहिए, ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए कि अब सत्संग नहीं जाना चाहिए, बेकार है सत्संग, क्या मिलता है सत्संग में। तो ऐसी कुछ अपने अंदर कुछ ऐसी भावनाएं पनप रही थी जो कि कहते कि हमारी परीक्षा कहाँ नहीं होती है। हर वो इंसान 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 की परीक्षा लेता है, बाप बेटे की परीक्षा लेता है, माँ बेटी की परीक्षा लेता है, कई बार औलाद अपने माँ बाप की तक परीक्षा ले जाते हैं, भाई भाई की परीक्षा लेता है, कौन परीक्षा से नहीं गुजरता है, अग्नि परीक्षा से कौन नहीं गुजरता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान सीता माता को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो इस सदगुरु जो सच्चे पातशाह दुनिया का मालिक है, हम सत्संग जाते हैं मतलब जाते हैं तो क्या हम पढ़ते हैं लिखते हैं क्या समझते हैं, क्या हम पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या हमारी परीक्षा नहीं होती है? आप बताओ जरा, मैं आपसे पूछ रहा, आप वीडियो देख रहे हो, क्या हमारी परीक्षा नहीं होनी चाहिए? तो परीक्षा होती कैसे है? अब हमारी परीक्षा ऐसे नहीं होती है, अब स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसको पहले ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ लिखा है वो तुम अपने कॉपी में उतारो, फिर उसको याद करो, फिर हमें सुनाओ, फिर परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे उत्तर दो। मगर हमारी जो सत्संगी है, हम सत्संगी लोग हैं, हम निरंकारी संत महात्मा हैं, इन महापुरुषों की जो परीक्षा ऐसे नहीं होती है कि तो बताओ 2021 में सदगुरु माता जी ने इस जगह की सत्संग में आखिरी में कौन से वचन कहे थे, उस सत्संग में जो पंजाब के महात्मा जी आए थे उन्होंने किस बारे में ये बात कही थी। ये परीक्षा नहीं होती है। हमारी परीक्षा जो होती है, बड़े ध्यान से सुनना, जो वीडियो देखकर देखते रहना, आपको बताऊंगा बहन ने गलती कहाँ पे की है, और ये गलती कोई ना करे। बस कहते हैं कि जब हम अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं, कैसे लेते हैं कि आपने देखा होगा बेशुमार धन दौलत कमा ली, तीन बच्चे हैं, तीनों में बराबर बराबर बांटते, तो देखते हैं कौन सा बेटा किस लायक है, कौन सा बेटा बिजनेस संभाल सकता है, कौन सा बेटा ये नौकरी करने के लायक है, कौन से बेटे को प्रॉपर्टी दे दे, कौन से बेटे को मकान दे दे, और कौन से बेटे को अपना बिजनेस थाम दे, कौन सा बिजनेस चला सकता है, और कौन सा मेरे प्रॉपर्टी काम में चला सकता है, और कौन सी मेरी धन दौलत इकट्ठी इसको संभाल के आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे परमात्मा जानता है कि काम उसी को दिया जाता है जो काम के लायक हो। एक हेल्पर को क्या काम दिया जाता है, कंपनी में हो, किसी भी दुकान का हेल्पर हो, चाहे बस का हेल्पर हो, क्या काम दिया जाता है? दुकान के हेल्पर से साफ सफाई इधर का उधर करना, और कारीगर को क्या है कि कारीगरी करना, टेक्निकल बंदे को टेक्निक देने की, हाँ इसमें कुछ मतलब बना देना, किसी भी चीज को बना देना। तो ऐसे ही परमात्मा जानता है कि ये किस लायक, हमारा बच्चा किस लायक है, तो इसकी कैसी परीक्षा ली जाए। कि कहते हैं कि हम किसी, आप भी देखो, आपने भी देखा होगा कि वैसे बख्श लेना, अक्सर क्या होता, मैं अक्सर सोचता हूँ कि वीडियो जो छोटा सा बनाओ, 7-8 मिनट का कंटेंट बना के ख़त्म कर दूँ, मगर जब हमारा वीडियो बनाने का समय आता है तो ना जाने कहाँ से ऐसी ऐसी बातें, उदाहरण इधर उधर के आ जाते सामने, कि जिस बात के लिए वीडियो बनाया है उससे पहले ना जाने कितने उदाहरण आ जाते हैं। तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनने वाली, तो बड़े एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप देखो, परीक्षा वाली बात रही है, अब आप ही देख लो, कोई कारीगर होता है तो उसको वो काम दिया जाता है कि ये काम कर लेगा, ड्राइवर को क्या गाड़ी पकड़ा दी जाती है कि भाई तुम ड्राइवर आते। तो ऐसे परमात्मा जानता है ये हमारा जो बच्चा है, जो हम पे पूरी तरह से निछावर है, हम पे पूर्ण रूप से विश्वास करता। आप भी देखते हो, कोई आपको बोलता और भैया कोई दिक्कत तो नहीं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत हो परेशानी बताना, कभी भाई तुम्हें जरूरत हो दिन में रात में 24 घंटे में कभी एक फ़ोन करना, हम तुम्हारे लिए हाजिर, कभी भी 10-20-50 की जरूरत हो फोन करना, यूँ हाजिर। तो आप भी एक बार आजमाते हो कि नहीं, तो ये सच्चे पातशाह सदगुरु हमें क्यों नहीं, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। किसकी होती है? हमारे विश्वास की परीक्षा होती है कि हम दावा तो कहते हैं कि हे दाता निरंकार सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी, बस तू जैसा चाहे वैसा बना दे, जो हमारे लिए सुखदायी है हमें वही देना, हम चाहे कुछ भी मांगे,
कभी परमात्मा से मांगना मत, मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो अभी मैं यहां हूं, मेरा बेटा घर पे है, अब उसकी क्या डिमांड, उसके मन में क्या चल रहा कि आज मुझे शाम को ये खाना वो पीना, मुझे नहीं पता। जब मैं उसके पास जाऊंगा और वो अपनी फरमाइश बताएगा, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरी बेटी को ये चाहिए, या तो मेरे पास फोन आ जाए तब। मगर ये परमात्मा कहते बिना कहे ये सुनता है, इसको पता है कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद में क्या करूंगा, आपको पता है वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद में एडिटिंग करूंगा, उसके बाद में थंबनेल बनाऊंगा या बना लिया होगा, उसके बाद अपलोड कर दूंगा और ग्राहक आएगा तो उसको देखूंगा। मगर ये परमात्मा जानता है दुकानदारी के बाद क्या करना है, हमें पता है यहाँ के बाद हमें घर ही जाना, घर से पहले हमारे बीच में क्या क्या होना है ये परमात्मा जानता, अंतर्यामी सर्वव्यापी, जिसने पूरी पहले से बात, मतलब हमारे पूरे जीवन काल की, हम जब से जन्मे हैं और जब से हम मरने वाले होंगे तब से लेकर जो बीच की दूरी जीवन है उसके बारे में पूरा इसको पता, पता नहीं सब इसी ने रचा हुआ खेल है। तो हमारे परीक्षा होती विश्वास की, और इस बहन ने देखो कहां पे गलती की है। बात यह है कि बहन की जो माँ थी, माँ थी नहीं बख्श लेना, माँ है भी, माँ है, तो उनकी माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती थी, अक्सर तबीयत खराब रहती थी, और इधर उधर डॉक्टरों को दिखाने के बाद, देखो आज का वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते, अक्सर मैं यही कोशिश करूंगा कि छोटे से वीडियो में बात बन जाए। तो बात यहाँ पे होती है कि पहले तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर, धनकार जी और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ऐसे ही सहारा देते रहना, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखा करो और शेयर भी कर दिया करो। अगर व्हाट्सएप पे शेयर करते हो तो जिसके पास शेयर करोगे तो उसको ये जरूर बोलना कि फेसबुक यूट्यूब पेज पे देखा करो, लिंक पे क्लिक करके। तो दास का चैनल मोनेटाइज भी हो गया, और पहले से आपको बता दिया कि 4 पैसे भी आने लगे हैं, पहली पेमेंट भी आ चुकी है आप जी के आशीर्वाद से, सदगुरु के पास से। तो चलो आपको सारी बात बताता हूं मैं कि बहन ने गलती कहां पे की है। तो इन बहन की माता जी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, और ना जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया। वैसे तो एक बात आपको बता दूं, पूरा ही परिवार, मम्मी पापा और ये बिटिया बहुत ही सेवादार, जहां भी सेवा हो सत्संग हो सबसे पहले इन्हीं की हाजिरी, कहीं भी सेवा लगती थी जाना, आज भी सेवा सत्संग सुमिरन से ये अचूके नहीं, जहां भी सत्संग हो पूरा परिवार, मम्मी पापा भाई बहन सभी के दर्शन होते थे। अक्सर देखा गया है कि कभी महात्मा जी पहुंच गए, कभी बहन जी पहुंच गई, कभी बच्चा, मगर ये इकट्ठा परिवार मुझे मिला, अक्सर देखा गया। तो बात बताता हूं, इस बहन ने पहले अपना वीडियो यहाँ पे हमारे चैनल पे आया हुआ अपनी सारी बातें बताई। तो कहाँ गलती होती है, हमसे गलती कहाँ होती है, और ये गलती आप लोग नहीं करना कभी भी। कहते ना कि दुख आवे सुख आवे, कई कहते आएगी आएगी जो घड़ी जो आवेगी सब चंगी है भैया, कि जो ऐसा कि ये सर्दी का मौसम है, गर्मी भी आएगी बरसात भी आएगी, सारे मौसम इसी के बनाए हुए हैं, बारी बारिश हर कुछ आएगा। अभी सुबह था, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, तो रात भी, हमें पता है रात आएगी, तो रात आने पे हम भयभीत क्यों हो जाए। परीक्षा हर किसी की होती है, और बिना परीक्षा कोई कुछ बनता नहीं है, बिना परीक्षा कोई डॉक्टर नहीं बना, बिना परीक्षा कोई इंजीनियर नहीं बना, बिना परीक्षा कोई मैकेनिक नहीं बना, बिना परीक्षा कोई वकील नहीं बना, बिना परीक्षा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, उसकी भी परीक्षा, वोटिंग होती है तो वही परीक्षा तो है, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। बिना परीक्षा मुख्यमंत्री नहीं बनता, बिना परीक्षा एमएलए नहीं, बिना परीक्षा तो होनी है। मगर ये भक्ति, ये जो आध्यात्मिक तौर पे जो हम भक्ति करते हैं, सत्संग जाते हैं, हमारी परीक्षा कुछ और होती है। हमें ये परीक्षा, हमारी इसमें जो परीक्षा है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, और यहाँ अक्सर हम सभी फेल हो जाते हैं, 90% हम सारे के सारे फेल हो जाते हैं, देखा गया है, अक्सर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हम वो रास्ता तुरंत छोड़ देते हैं। अगर हम सत्संग जा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी कुछ होती है, या कोई धन का हानि हो गई, या कोई प्रॉपर्टी का घाटा हो गया, या बिजनेस नहीं चल रहा, दुकानदारी नहीं चल रही, या नौकरी चली गई, या बीमारी आ गई, तुरंत हम वो रास्ता ही बदल देते हैं।
हम भटकने लग जाते हैं। जहां परीक्षा आती क्या हम ऐसे ही करते हैं? क्या स्कूल में आप जाते हो आपके पास सामने कुछ नहीं होता है, आपके पास एक प्लेन कागज होता है और प्रश्न वाला पेपर होता है, इससे देखो इसमें प्रश्न क्या है और उत्तर लिखो, बाकी दाएं बाएं झांकोगे भी तब भी आपके पेपर छीन ले जाएंगे, परीक्षा से बाहर कर दिए जाओगे। मगर यहाँ ये परीक्षा जो होती है बहुत ही अलग तरीके की, सिर्फ तो सिर्फ हमारे विश्वास की परीक्षा। और यहाँ जो पास हो गया, अरे भव सागर तो क्या 7 जन्म की पार उतारा हो जाता है उसका, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद बहन की माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो ऐसे करते करते माँ का तो सत्संग जाना छूट ही गया। परेशान था कि सब कुछ करा ले, अरदास भी करे सब कुछ, कहते हैं परमात्मा कहते ना कि हमारे साथ तो है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है और हमारी भावनाओं में है, हमारे हारी परेशानी बीमारी में भी परमात्मा है। अगर सुख में परमात्मा का वास है तो दुख में भी परमात्मा का वास है, जुखाम में परमात्मा का वास है, बुखार में परमात्मा का वास है, दर्द में परमात्मा का वास है, काले बालों में परमात्मा का वास है, सफेद बालों में परमात्मा का वास है, हमारी जुबा पे हमारे कान में हर जगह परमात्मा ही, पूरा परमात्मा का इसमें खुद बसा हुआ है और रचयिता है, इसको रचने के बाद और इसमें खुद बस गया और इसको चला रहा है। तो बुखार कैसे आया भाई, जुखाम कैसे हुआ भाई, टाइफाइड डेंगू कैसे हुआ भाई, टीबी मलेरिया डेंगू बीपी हाइपर डायबिटीज कैसे हुआ भाई, काला मोतिया कहाँ से हो गया भाई, सफ़ेद मोतिया का तो इलाज हो गया, काला मोतिया का जो चली गई रोशनी चली कैसे हुआ भाई, जब परमात्मा है। ये विश्वास की परीक्षा होती है। हम इस आज शरीर में आए हैं तो सिर्फ इस मानव योनि में इसलिए आए हैं कि हमें इस आवागमन के जो चक्कर जो 84 लाख योनियों के बाद कि आइए आत्मा का कल्याण कर लो, ये अपने निज घर का पहचान कर लो, अपने मूल की पहचान कर लो और आत्मा परमात्मा का मिलन करा दो और हो गया तुम्हारा जीवन का उद्धार हो गया। सदगुरु तो मिला देता है दोनों को, एक लड़का वाला एक लड़की, एक लड़का वाला और एक लड़की वाला, दोनों में रिश्ते की बात हो जाती है, लड़का वाला लड़की से, लड़की वाला लड़के, दोनों को मिला देते हैं, दोनों मिल जाते हैं। मगर दोनों की मनमती बेवकूफी चक्कर क्या होता है कि वो तो सोचते हैं कि दोनों सोचते हैं हमने रिश्ता जोड़ दिया, दोनों को मिला दिया, मगर वो दोनों ऐसी मनमती करते कि रिश्ता तोड़ बैठते हैं। भाई गलती हम करते हैं, सदगुरु तो हमें ये परमात्मा से मिला देता है, ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योत हमारे अंदर जगा देता है और दिखा देता कि ये परमात्मा है, बस यही तुम्हारा असल स्वरूप है, तुम्हें इसी में जाना है, यही से तुम आए हो और बाकी दुनिया जो संसार है ये माया है, ये सब धरी की धरी रह जानी है। तो यहाँ हमारी परीक्षा कैसे होती भाई बताता हूँ। तो बहन की माताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, देखो बड़े ध्यान से, माताजी का जाना सत्संग छूट गया और कभी कभार ये बहन भी जाने लगी, कभी जाती कभी नहीं जाती। तो कहते जब परेशानी आती तो हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हम भयभीत हो जाते हैं, विश्वास हमारा डगमगा जाता, यही हम फेल हो जाते हैं। तो फिर बताया था बहन ने, बहुत अरदास की माताजी, जो सुखदायी परिवार के लिए वही करना, माताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, हर जगह दिखा लिया ठीक ही नहीं हो रही। तो पता नहीं किस तरह से, देखो कहाँ ये सिग्नल देता है, कहाँ मोड़ देता है, किसकी तरफ मोड़ देता है कि यहाँ तुम्हारा इलाज। कहते हैं कि वस्तु कहीं खोजत कहीं, पास खड़ा दिखे नहीं, दिख दिख ऐसी जीन और तुलसी संसार को भयो मोते बिन। तो बहन ने ऐसी कह अरदास की माताजी से, माताजी हे माताजी सदगुरु माताजी जो सुखदाई है वही करना इस परिवार के लिए, माताजी की तबीयत ठीक करो। तो बहन के मतलब दिमाग में एक महात्मा जो बहुत ही पुरातन महात्मा, सेवादार महात्मा और कि जिम्मेवार महात्मा इंचार्ज भी हैं, तो उनसे संपर्क हुआ। तो वो एम्स में किसी एम्स डॉक्टर हैं, रिलेशन है एम्स से, तो वहाँ से उन्होंने दवाई ला के दी महात्मा जी ने और वो माता जी बिल्कुल ठीक हो गई। कैसे हो गई अब बताओ कैसे हो गई? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमें हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, विश्वास होता होना चाहिए पक्का। अगर सदगुरु का नाम लेते हो कि सदगुरु हमें बचा लेगा और सामने अग्नि है और कूदने से पहले अगर आपके मन में छल आ गया अरे कहीं जल ना जाऊं, तो जल जाओगे, पक्का जल जाओगे, खाक हो जाओगे, एकदम स्वाह हो जाओगे। और अगर आपके अंदर ये विश्वास है, ये अग्नि है ना मेरे पैर पड़ते ही सदगुरु इसको पानी बना देगा, मैं कूद रहा हूं, तू ही डंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो,
तो ये जरूर बख्शेगा, बख्शेगा नहीं बख्श दिया, इसकी परीक्षा होती है और यहां फेल हो जाते हैं। तो आज का वीडियो बस यही पे विराम लेता हूं कि कभी भी परीक्षा में फेल न हो तो सद्गुरु की परीक्षा कैसे होती है, हमारे विश्वास की परीक्षा, और कुछ पूछा नहीं जाता। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तकों के धनंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सबका एवं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर किया करो, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।